Welcome. Good morning, all DMIT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल के ऊपर जो क्या है? टुडेज लेक्चर ऑन पीबीएफ यानी पेरिफेरल ब्लड सिलम यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो डीएमएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी काम किया था और सेकेंड ईयर के अंदर और मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है पीबीएफ क्या है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी करवाया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइट है जिसकी एक साइड किससे कोटेड है कि वेन ब्लड की लेयर से क्या है कोटेड है कवर है यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की एक साइड जो है उसको क्या है अपन ने वेन ब्लड से कोटेड कर दिया कवर कर दिया ठीक है वही क्या है एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास लाइट उसी को क्या बोलते हैं अपन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बोलते हैं नेक्स्ट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ रेड सेल ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट सेल काउंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल प्रोवाइड यानी यह प्रोवाइड करती है अपने को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है यानी रेड सेल्स के यानी आरबीसी ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेल के काउंट प्रोवाइड करवाती है कि नॉर्मल है या अबनॉर्मल है एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल और ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है मोस्टली सेल काउंट तो अपन अप्रोक्सीमेट देख सकते हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर अपन क्या कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एनी पैरासाइट इज प्रेजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द स्मीयर और अगर कुछ पैरासाइट का इंफेक्शन हो यानी मलेरियल पैरासाइट का या फिर एंटीबायोटिका का कोई इंफेक्शन हो तो उनको क्या है अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मीयर के अंदर एबनॉर्मल सेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन पीबीएफ और एबनॉर्मल सेल जो होती है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म के द्वारा यानी कोई कैंसर की सेल होगी या फिर कोई ऐसा सेल होगी उसको अपन पेरिफेरल ब्लड फिल्म के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं शुरू से देखिए कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज ए ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कोटेड ऑन वन साइड विद ए थिन लेयर ऑफ डेंस ब्लड यानी पीबीएफ जो है एक ग्लास की माइक्रोस्कोपिक स्लाइड यानी ऐसी स्लाइड है जिसको माइक्रोस्कोप के ऊपर एग्जामिन करते हैं कोटेड यानी उसके ऊपर क्या अप्लाई किया गया है कवर किया गया है उसको किससे वन साइड यानी एक साइड को कवर किया गया है विद अ थिन लेयर ऑफ वेन्स ब्लड यानी थिन ए थिन यानी पतली लेयर ऑफ वेन्स ब्लड यानी वेनस ब्लड से उसको कवर किया गया उसके एक साइड को कवर की गई है नेक्स्ट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ रेड सेल ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट सेल काउंट बीबीएफ से अपन क्या चेक कर सकते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल यानी ब्लड सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं और आरबीसी या ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट काउंट को भी अपन अप्रोक्सीमेटली चेक कर सकते हैं एनी पैरासाइट इज प्रेजेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द स्मीयर और अगर कोई स्पेसिफिक पैरासाइट प्रेजेंट होगा तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं एबनॉर्मल सेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन पीबीएफ और एबनॉर्मल सेल्स को भी अपन क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर
के इक्विपमेंट, तो माइक्रोस्कोपिक साइट एंड ग्लास प्रेटर साइट एंड इक्विपमेंट अपने को क्या क्या चाहिए? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जी, ग्लास प्लेटर स्लाइड यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, तो वो स्लाइड जिसके ऊपर अपन फिल्म बनाएंगे यानी ब्लड की लेयर बनाएंगे, परत बनाएंगे, और एक प्लेटर स्लाइड यानी स्प्रेड करेंगे जिससे ब्लड को फैलाएंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर। वुड ऑयल यानी इमल्सन ऑयल जी, यानी जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर 100x लेंस पे, उसके लिए क्या चाहिए अपने को? सिडार वुड ऑयल चाहिए या फिर इमल्सन ऑयल भी बोल सकते हैं। लिस्मन तेल, ट्रेनिंग रैक चाहिए, कॉटन एंड टिश्यू पेपर चाहिए और पिपेट या फिर टाइमर भी चाहिए। ये सारी चीजें अपने को चाहिए। देखिए प्रोसीजर, प्रोसीजर में क्या होता है? सबसे पहले कि प्लेस ए क्लीन ग्लास स्लाइड ऑन ए स्मूथ सरफेस, यानी सबसे पहले आपको क्लीन एंड ग्लास स्लाइड लेनी है और उसको कहां पे रखना है? स्मूथ सरफेस पे यानी फ्लैट सरफेस पे। राइट द लेबोरेटरी नंबर ऑन द पेशेंट ऑन द स्लाइड, यानी जो पेशेंट का लेबोरेटरी नंबर है, इसके ब्लड सैंपल को जो नंबर दिया गया है, वो नंबर आपको किसके ऊपर राइट करना है, किसके ऊपर लिखना है? स्लाइड के ऊपर। फिर क्या करना है? प्लेस 2-3 ड्रॉप ऑन द एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड फॉर थिक ब्लड स्मियर, यानी क्या है आपको थिन ब्लड स्मियर बनानी थी तो आपने ब्लड की ड्रॉप कितनी ली? एक ली थी डीएलसी में, जबकि क्या है पीबीएस के अंदर आपको क्या है थिक बनानी है, तो उसमें क्या लोगे आप? 2-3 ड्रॉप लोगे ब्लड की, और उसको कहां पे प्लेस करोगे? ब्लड स्लाइड के कॉर्नर के ऊपर, एंड के ऊपर, क्या है लास्ट किनारे के ऊपर उसको क्या है प्लेस करोगे। नेक्स्ट, होल्ड अनोदर स्लाइड स्प्रेडर स्लाइड फ्रमली इन ए हॉरिजेंटल पोजिशन, यानी फिर क्या है आपको स्प्रेडर स्लाइड को होल्ड करना है, पकड़ना है उसको, और उसको क्या है फ्रमली कैसी पोजिशन में आप पकड़ोगे? हॉरिजेंटल पोजिशन में।
और एंगल क्या होगा यहाँ पे, एन एंगल ऑफ अबाउट 30 डिग्री, यानी पेरिफेरल ब्लड के अंदर थिक ब्लड स्मियर बनाने के लिए एंगल क्या होगा 30 डिग्री का होगा, जबकि थिन ब्लड स्मियर बनाने के लिए 40 डिग्री का या 45 डिग्री का। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी ब्लड ड्रॉप के बिल्कुल सामने, यानी ब्लड ड्रॉप के बिल्कुल थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, मूव बैकवर्ड द स्प्रेडर टू टच द ब्लड, यानी फिर क्या है, स्प्रेडर स्लाइड को थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करना है, पीछे की तरफ मूव करना है, ताकि स्प्रेडर स्लाइड का जो किनारा किसके ऊपर है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे है, वो किनारा किसको टच कर जाए, ब्लड को टच कर जाए, टू टच ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी ब्लड ड्रॉप को टच कर जाए, एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड फॉरवर्ड विद ए स्मूथ मूव, और आपको फिर क्या है, स्प्रेडर स्लाइड को आगे की तरफ पुश करना है, इसके साथ स्मूथ मूव के साथ। इट शुड बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एज ऑफ स्लाइड एंड 5 mm इन विड्थ, और इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर होगी कहां से, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के किनारे से, और 5 mm क्या होगी, 5 mm क्या होगी, इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई। शुरू से देखिए, प्लेस ए क्लीन ग्लास स्लाइड ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड क्या है प्लेस करनी है, रखनी है, उसके ऊपर लेबोरेटरी नंबर क्या है रखना है, जो पेशेंट का लेबोरेटरी नंबर है। फिर प्लेस 2 to 3 drops ऑन द एंड ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड फॉर थिक ब्लड स्मियर, यानी पेशेंट के ब्लड की 2 से 3 बूंदे आपको क्या है इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के किनारे के ऊपर डाल लेनी है, प्लेस कर लेनी है। फिर दूसरी स्लाइड को होल्ड करना है आपको, अनदर स्लाइड, यानी जो स्प्रेडर स्लाइड है जो ब्लड को फैलाने का काम करेगी, स्प्रेड करने का, फर्मली यानी अच्छे तरीके से इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और इसके अंदर एंगल क्या होगा, तो अबाउट 30 डिग्री का होगा, जबकि थिन ब्लड स्मियर के अंदर एंगल कितना होता है 45 डिग्री का या 40 डिग्री का, जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। और ये जो स्प्रेडर स्लाइड है उसको कहां रखना है आपको, तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर जस्ट ब्लड ड्रॉप के सामने रखना है इसको। नेक्स्ट, मूव बैकवर्ड द स्प्रेडर स्लाइड टू टच द ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी फिर क्या है आपको स्प्रेडर स्लाइड को थोड़ा सा बैक की तरफ मूव करवाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो किसको टच करे, ब्लड की ड्रॉप को, एंड पुश द स्प्रेडर स्लाइड, और फिर क्या है स्प्रेडर स्लाइड को पुश कर देना है आगे की तरफ, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, विद स्मूथ मूव, यानी अच्छे तरीके से जेंटली कंडीशन में। नेक्स्ट, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ स्लाइड एंड 5 mm इन विड्थ, और ये कैसी होनी चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए कहां से, ए स्लाइड के किनारे से, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 5 mm इन विड्थ। नेक्स्ट देखिए, मेक थिन स्मियर, इट्स मेनली यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, यानी आपको कैसी स्मियर बनानी है, बिल्कुल थिन स्मियर बनानी है, पतली, अगर आपको सेल की मॉर्फोलॉजी और उसकी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना है, और अगर आपको पैरासाइट को डिटेक्ट करना है, तो आपको कैसी स्मियर बनानी है, मेक ए थिक स्मियर, यानी आपको मोटी स्मियर बनानी है, जिसके अंदर एंगल कितना होता है 30 डिग्री का। फिर क्या आपको ड्राई करना है रैपिडली, वेविंग इन एयर, यानी एयर के अंदर वेव करके। फिर क्या है, नीचे देख सकते हो आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले स्लाइड को रख लिया, यानी जिसके ऊपर ब्लड ड्रॉप दिखाई दे रही है आपको, वो क्या है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, और ऊपर जो है वो क्या है स्प्रेडर स्लाइड। फिर आपको सेकेंड पोजिशन में आप देख रहे हो कि पहले तो इन फ्रंट है, वो ब्लड ड्रॉप के सामने है, लेकिन सेकेंड में क्या है कि उसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूव किया है, ताकि क्या है स्प्रेडर स्लाइड का किनारा जो है वो किसके टच हो जाए, ब्लड ड्रॉप के टच दे, और जिससे क्या है कि वो ब्लड की ड्रॉप है वो स्प्रेडर स्लाइड के किनारे के ऊपर पूरी फैल जाए। और फिर क्या करना है, नेक्स्ट मूव के अंदर आपको स्प्रेडर स्लाइड को आगे की तरफ स्मूथ मूव में फॉरवर्ड कर देना है, जिससे क्या है कि ब्लड की थिक या थिन लेयर किसके ऊपर आ जाएगी, स्लाइड के ऊपर आ जाएगी।
नेक्स्ट है स्टेमिंग ऑफ ब्लड स्मियर. तो देखिए ब्लड सेल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर विच टेक डिफरेंट स्टेम. सम आर बेसोफिलिक, अदर आर एसिडोफिलिक एंड सम सेल एक्सेप्ट न्यूट्रल स्टेम. यानी ब्लड सेल्स की क्या है कि अलग अलग स्ट्रक्चर होती है विच टेक डिफरेंट स्टेम और वो अलग अलग स्टेम को एक्सेप्ट करती है लेती है. स्टेम क्या होता है कि एक कलर रिएजेंट होता है जो अपन किसके ऊपर डालते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर. सम आर बेसोफिलिक जिसके अंदर से कुछ कैसी होती है बेसोफिलिक होती है, अदर आर एसिडोफिलिक कुछ एसिडोफिलिक होती है और कुछ जो सेल्स है वो कैसी स्टेन लेती है न्यूट्रल स्टेन एक्सेप्ट करती है. तो अपन पीबीएफ के अंदर भी कौन सी स्टेन काम में लेते हैं, वही तीन स्टेन काम में लेते हैं जो डीएलसी में काम में लेते हैं, यानी लीथमेन स्टेन और राइट स्टेन और क्या है जिम्सा स्टेन. तो जिम्सा स्टेन अपन किस चीज के लिए काम में लेते हैं तो यूजिंग फॉर पैरासाइट डिटेक्शन, यानी पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन सी स्टेन काम में लेते हैं जिम्सा स्टेन को काम में लेते हैं. और लीथमेन स्टेन और राइट स्टेन जो है वो किस चीज के लिए मोस्ट कॉमनली काम में ली जाती है पीबीएफ के अंदर और डीएलसी के अंदर, और इन्हीं को अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं. सबसे ज्यादा लैब के अंदर कौन सी स्टेन काम में ली जाती है लीथमेन स्टेन. तो लीथमेन स्टेन इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल स्टेन, यानी लीथमेन स्टेन है वो सबसे कॉमन है और चीपेस्ट यानी सबसे सस्ती है सभी स्टेनिंग के अंदर. नेक्स्ट है कंपोजिशन. तो लीथमेन स्टेन पाउडर के अंदर कंपोजिशन अगर अपन देखें तो 0.5 ग्राम 0.15 ग्राम क्या है लीथमेन पाउडर हो गया, मिथाइल अल्कोहल 100 ml दोनों को मिक्स करके अपन क्या बना सकते हैं लीथमेन स्टेन बना सकते हैं. फिर प्रोसीजर क्या है स्टेनिंग का, जो आपने ड्राई ब्लड स्मियर तैयार की थी उसको स्टेन करना है. ड्राई ब्लड फिल्म इज देन कवर्ड विद लीथमेन स्टेन फॉर 1 मिनट, यानी उस ब्लड फिल्म को 1 मिनट के लिए अपने को लीथमेन स्टेन से कवर कर देना है पूरा. आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद में क्या करना है ऐड डिस्टिल्ड वाटर, अपन क्या ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करेंगे ऑन द ब्लड फिल्म यानी ब्लड फिल्म के ऊपर एंड मिक्स वेल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड स्टेन और स्टेनिंग करेंगे एंड कीप इट एज इट इज फॉर अबाउट 5 मिनट और उसको ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को अपन 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के लिए स्लाइड को रख देंगे, यानी डिस्टिल वाटर और लीथमेन स्टेन से कवर स्लाइड को 5 मिनट के लिए रख देंगे. आफ्टर 5 मिनट वॉश द स्लाइड, यानी 5 मिनट के बाद अपन स्लाइड को वॉश करेंगे. किस चीज के लिए फॉर रिमूव एक्सेस स्टेन एंड एयर ड्राई द स्लाइड, यानी एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए और स्लाइड को एयर ड्राई करने के लिए. तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले तो अपन लीथमेन स्टेन से कवर करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर लीथमेन स्टेन के साथ अपन क्या डाल देंगे स्लाइड के ऊपर डिस्टिल वाटर डाल देंगे बफर डाल देंगे और डिस्टिल वाटर और लीथमेन स्टेन को अच्छे से मिक्स करके उसके लिए कितने मिनट के लिए कवर कर देंगे स्लाइड को 5 मिनट के लिए. आफ्टर 5 मिनट वॉश द स्लाइड फॉर रिमूव एक्सेस स्टेन एंड एयर ड्राई द स्लाइड और 5 मिनट वॉश करने के बाद स्लाइड को अपन क्या है वॉश करेंगे और ताकि एक्सेस स्टेन जो है वो क्या हो जाए रिमूव हो जाए निकल जाए और फिर स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे सुखा देंगे. नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो पीबीएफ है यानी बिना स्टेन की जो स्मियर है वो कैसे कलर की है रेड कलर की है, जबकि स्टेन की नीचे की जो स्मियर है स्टेन थिन ब्लड स्मियर यानी थिन ब्लड स्मियर वो कैसी है ब्लू कलर की है. तो स्टेनिंग और अनस्टेन स्मियर में क्या डिफरेंस कैसा होता है वो तो रेड कलर की होती है जबकि स्टेन स्मियर कैसे कलर की होती है अगर लीथमेन स्टेन को काम मिले तो ब्लू कलर की होती है.
की एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मियर, एग्जामिन कैसे करेंगे? तो इंस्पेक्ट द स्मियर अंडर लो पावर टू नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल एंड सिलेक्ट एन एरिया वेयर द सेल डू नॉट ओवरलैप. यानी सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप के लो पावर लेंस के ऊपर क्या है, स्मियर को एग्जामिनेशन करना है, यानी 10x के ऊपर, जिसके अंदर क्या है, सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि ओवरलैपिंग ना हो, वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है जहां पे क्या आप सेल को काउंट कर सकते हो, उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो, यानी सेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, अलग अलग सेपरेट हो, वो एरिया सिलेक्ट करना है. वो एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्विच टू ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. और आगे के एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑयल इमर्शन लेंस को काम में लेना है, यानी स्विच कर लेना है 100x को, और आगे की एग्जामिनेशन करनी है. द एग्जामिनेशन शुड बी स्टार्ट टू द थिन एंड. पर एग्जामिनेशन कहां से स्टार्ट करनी है पीबीएफ के लिए, डीएलसी के लिए, तो आपको थिन एंड से स्टार्ट करनी है, यानी बिल्कुल अंतिम जो किनारा है बिल्कुल थिन है पतला, वहां से स्टार्ट करनी है. एग्जामिनेशन मेथड ऑफ स्लाइड इज zigzag. और जो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करते हैं अपन स्लाइड का, यानी किस कंडीशन में करोगे, तो zigzag कंडीशन में, यानी डेड की फॉर्म में क्या एग्जामिन करोगे उस स्लाइड को, यानी धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर, दूसरे एंड से फिर वापस उसी एंड के ऊपर, फर्स्ट वाले पे फिर क्या है दूसरे एंड के ऊपर, यानी कंटिन्यू एग्जामिन करोगे उसको धीरे धीरे. रिजल्ट क्या होता है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का, अपन रिजल्ट क्या क्या चेक करते हैं रिजल्ट के अंदर पीबीएफ के अंदर. तो फर्स्ट फोकस ऑन द आरबीसी, यानी सबसे पहले आरबीसी सेल को के ऊपर फोकस करते हैं. चेक द स्ट्रक्चर एंड शेप, यानी आरबीसी सेल्स की स्ट्रक्चर और शेप जो है, यानी उसका प्रॉपर डायमीटर है, यानी वो बाइकोन के शेप में है, यानी वो सारा चेक करते हैं. फिर चेक व्हाइट ब्लड सेल काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट को चेक करते हैं, डीएलसी अगर करनी हो तो. चेक प्लेटलेट काउंट इन डिफरेंशियल जोन, और प्लेटलेट काउंट अपन अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ लैब में प्लेटलेट काउंट अपन पीबीएफ से ही करते हैं, काउंटिंग मेथड को, काउंटिंग चैम्बर को ना काम में लेके प्लेटलेट काउंट को अलग अलग जोन में चेक करते हैं. चेक पैरासाइट इन आरबीसी सेल, फिर पैरासाइट को चेक करते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर है, यानी कैंसर सेल को चेक करते हैं ब्लड फिल्म के अंदर. और पीबीएफ का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, मतलब जो अपन लिख के देते हैं रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग करते हैं, वो क्या होती है, ए ब्लड स्मियर इज कंसीडर्ड नॉर्मल व्हेन योर ब्लड कंटेन्स ए सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल. यानी ब्लड स्मियर जो है, ब्लड फिल्म है, वो नॉर्मल होती है जब आपके जो ब्लड सेल्स है उनके काउंट क्या हो, उनके नंबर क्या हो, सफिशियंट हो, एंड सेल्स है नॉर्मल अपीयरेंस, और सेल्स स्ट्रक्चर एंड मोर्फोलॉजी के अंदर आपको कैसी दिखाई दे, नॉर्मल अपीयरेंस, तो नॉर्मल अपीयर हो दिखाई दे, तो पीबीएफ ब्लड स्मियर कैसी होती है, नॉर्मल होती है. ब्लड स्मियर इज कंसीडर्ड अबनॉर्मल व्हेन देयर एन एबनॉर्मलिटी इन साइज शेप कलर एंड नंबर ऑफ सेल इन योर ब्लड. जब क्या ब्लड स्मियर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो, एबनॉर्मलिटी कैसी, साइज या फिर, यानी साइज के अंदर एबनॉर्मलिटी हो, या कलर के अंदर एबनॉर्मलिटी हो, या नंबर ऑफ सेल्स यानी किसी सेल के नंबर कम हो, तो पीबीएफ कैसी होती है, एबनॉर्मल होती है. नेक्स्ट आप देख सकते हो पेरिफेरल ब्लड स्मियर के अंदर जब अपन उसको एग्जामिन करेंगे 100x के माइक्रोस्कोप के लेंस के ऊपर, तो उसमें कैसी दिखाई देगी, तो एरिथ्रोसाइट अलग रेड कलर में दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही है आपको वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, और एक साइड में क्या है प्लेटलेट लिखा हुआ, तो ब्लू डॉट जो छोटी सी डॉट जैसी स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, प्लेटलेट है. और इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी और प्लेटलेट सेल क्या है, अलग अलग जोन में स्प्रेड रहती है. नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, यूरिन एनालिसिस के ऊपर. थैंक्स टू ऑल.